बहरहाल इस चीज़ को हम समझें, निकाहों को सस्ता, आसान, सहूलत वाला, महंगा ना करें, बल्कि शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक करने की कोशिश करें। ये 15 वो नुकात थे जो मेरे जहन में आए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी वजूहात हो किसी जगह और ज़माने में, मुझे जो बेहतर लगे, जो समझे मेरे माहौल में, मैंने जो देखे मैंने रखे, यही नहीं इसके अलावा भी हो सकते हैं। आखिर में सिर्फ ये गुजारिश है सरपरस्तों से, जिम्मेदारों से, अपने बच्चों के निकाह में खामोखा बिल्कुल भी ताखीर ना करें, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनके निकाह कर दें। इसके फ़ायदे इंशाल्लाह इस दुनिया में उठाएंगे और आखिरत में उठाएंगे। अल्लाह रहम करे उस बाप पर जो अपने बच्चे का निकाह जब वो ना कमाता हो तब भी करे इस नीयत से कि बुराई से बचे। अल्लाह रहम करे उन वालिदैन पर जो अपने बच्चियों के निकाह जल्द से जल्द कराते ताकि उनके निकाह होने से वो फितने और फसाद और बुराई से बचे। अपने बच्चों के निकाह के लिए याद रखिए उनको तैयार करना है, उनको उतना समझदार बनाना है, निकाह के मामला समझने वाला, और तब होगा जब आप बहुत छोटी उम्रों से उनको रियल वर्ल्ड में डालें तब वो सीख पाएंगे। वरना आपने बच्चे को रियल वर्ल्ड में डाला तो 30 सालों में नहीं सीखेंगे निकाह क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। ऐसा बच्चा है तो फिर तो मैं कहूँगा पैती और खींचो उसको लंबा, लेकिन रियली आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की ना, बचपन से उनको रेडी कीजिए ताकि वो रियल वर्ल्ड में रहे और शादी के मामला, शादी होते ही बालिग होते ही संभालने की जिम्मेदारियों की वो एहसास उनके अंदर पैदा हो। ये तभी हो सकता है जब उनको रियल वर्ल्ड में रखा जाए, सारी चीज़ें मुमकिन है। तो मैं ही गुजारिश करूँगा अपने बच्चों को खामोखा निकाह में ताखिर ना करें, जल्दी कर दें। और एक मसला होता है जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है उसकी पहले शादी करना चाहते हैं, जो अच्छा होता है उसको लेट करते हैं। कितनी तअज्जुब की बातें हैं। एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा शरीर है, बिगड़ा हुआ, तो जल्दी करो इसे, और एक शरीफ है तो बोलते हैं इसको तो लंबा टांगूंगा अभी, अभी बेटे अभी तुम ये कर लो, बेटे अभी ये कर लो, अभी बेटे अब्बा का ये, अभी अम्मा का ये हो जाता, अभी फलां अभी ऑपरेशन कर लेंगे, फलां ये खर्चा कर लेते, इनकी शादी कर लेते। ये कौन सा उसूल है कि आप नेक बच्चों का तो लेट करें और जो बुरे बच्चे उनके पीछे पड़े। बेटे शादी कब करो, बोलता नहीं करता हूँ, और ये बोल रहा कि मेरे से पूछ ले तो मैं तो आज ही रेडी हूँ, लेकिन उससे कोई पूछता ही नहीं, तो वो तो शरीफ है ना, वो क्या करने वाला, ये कर लेंगे कुछ तो भी इससे पहले कर देंगे। कैसी ताज्जुब की बात है, मत कीजिए। जिसको जैसे रिश्ता है इस्लाम के मुताबिक कर दीजिए। इसकी तफसीलात देखना है, निकाह कैसा हो तो सुन्नत निकाह मेरा एक लेक्चर है, निकाह सुन्नत के मुताबिक कैसा करें उस पर भी मेरा पूरा तफसील लेक्चर है, तमाम चीज़ें आज मैंने वो भी लिखा, निकाह में रुकावट जहेज पर मेरा लेक्चर है, आप देखें ताकि बहुत सारी बातें इंशाल्लाह जैसे मालूम हो। अपनी बात को